मध्य प्रदेश के बैतूल में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल पर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी गए। कर्मचारियों की मांगे अब तक पूरी नहीं हुई है, इसके विरोध में हड़ताल के 90 दिन शुक्रवार को लगभग 400 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कोरोना योद्धा का सम्मान सरकार को वापस देकर विरोध प्रदर्शन किया। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर गोविंद साहू ने बताया कि कर्मचारियों ने धरना स्थल के से विशाल रैली निकाली जो शिवाजी चौक अंबेडकर चौक होते हुए सीएमएचओ कार्यालय पहुंचे। इस दौरान कर्मचारियों ने सीएमएचओ को कोरोना योद्धा सम्मान वापस किया है। जिला अध्यक्ष ने बताया कि कोरोना काल में 24 घंटे अपनी जान की परवाह न करते हुए दिन रात सेवा करने के फलस्वरूप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया था। अपने हस्ताक्षर से सभी कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र दिया था, जिससे आंदोलनरत समस्त कर्मचारियों ने मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को जो है वापस लौटा दिया है। आंदोलनकर्ता कर्मचारियों का कहना है कि शासन ने सर्टिफिकेट देकर सहानुभूति दिखाई है, लेकिन केवल सर्टिफिकेट से पेट नहीं भरता। उल्लेखनीय है कि 15 दिसंबर से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर और जिसमें जो है नियमितीकरण और 90% वेतन दिए जाने को लेकर जिला उद्योग कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों का हड़की हड़ताल का 9वां दिन है और आज जिस तरह मध्य प्रदेश शासन में पूरे देश हित में कोरोना योद्धा जो हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी है उन्होंने कोरोना योद्धा के रूप में शासन प्रशासन की मदद की थी, उसके उपलक्ष्य में उपहार के स्वरूप कोरोना योद्धा का सम्मान हम सभी को दिया था। आज आदरणीय सीएमएचओ महोदय को बैतूल जिले की तरफ से वो कोरोना योद्धा का प्रमाण पत्र हमने वापस किया है, क्योंकि अब कोरोना योद्धा के एक प्रमाण पत्र मात्र से संविदा कर्मचारियों का पेट और जीवन नहीं चलेगा, इसलिए हमने वो वापस किया है। इनकी 2 मुख्य मांगे हैं कि हमें नियमितीकरण किया जाए और पहले कुछ कर्मचारियों को निकाल दिया गया है, उनको वापस लिया जाए, ये मुद्दे में मांगे हैं। और इनको मतलब पहले काम करने, अच्छे काम करने और कोरोना में सहयोग करने के लिए सर्टिफिकेट दिया गया था और उनका कहना है कि भाई सर्टिफिकेट से तो पेट तो नहीं भरता जब तक हमारा वित्तीय स्थिति नहीं ठीक होगी, इसलिए वो सर्टिफिकेट इन्होंने वापस